बन के जाना पड़ता है ना, माइनस में टेम्परेचर है और हमारा टेम्परेचर देखो पसीना। पाँव जमा जमा के चलो ना, काफी रात हो चुकी है देख सकते हो आप लोग। हम कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं अपनी। आपको प्लेन दिख रहा है, उधर हो सकती है कैंप लगाने की जगह। ठीक काम चलो ले आए, अभी ले आएंगे पानी तो यहीं पर ही है, क्या दिक्कत है। इतना पानी बहुत है यहाँ यहाँ पे, और अंकुर भाई लगे हैं वहाँ कोयले जलाने में। मैं तो ऐसा ब्लॉगर हूँ, पहले खाना खा लिया पूरा फिर आ रही बनाने की यार। अब हम जा रहे हैं यहाँ से थामरी कुंड की तरफ, इधर को आज यहीं कर रहे हैं कैंपिंग हम लोग, और आप लोग को भी दिखाते हैं कहाँ कर रहे हैं कैंपिंग आज हम। ये मूंगसियारी के ऊपर टॉप में जो हनुमान मंदिर है, और हम जा रहे हैं यहाँ से। थामरी कुंड की तरफ, ये देखो यहाँ से आगे का क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है। यह है खलिया टॉप, खलिया टॉप के हम अपोजिट वाली दिशा में जा रहे हैं। बने रहो आप, देखो आज बर्फ़ में करने वाले हैं कैंपिंग, मज़ा आ जाएगा। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं बर्फ़ का मज़ा लेने। हेलो हेलो, हाय हेलो, कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग आए हैं, कोई कोई दिल्ली से आया, कोई मथुरा से आया, कोई बेंगलोर से आया। अच्छा, दिल्ली मथुरा बेंगलोर, बेंगलोर बढ़िया। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे मेबी पॉसिबल है अगर। बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर से। मेरा है मोहनदा अल्मोड़ा वाले। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? भोपाल। हम लोग भोपाल। अच्छा, भोपाल से, बढ़िया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सेम टू यू। प्लेन से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे अभी बर्फ़ का मज़ा लेने, और हमारे अल्मोड़े में बर्फ़ नहीं गिरी तो हम भी आ गए इस तरफ। ये आगे से बैग लगने से डाउन में बड़ी परेशानी होती है, रास्ता नहीं दिख रहा मुझे, कहीं गिर ना जाऊँ। जिस चीज़ का मज़ा लेने आया हूँ मैं, उसका पूरा मज़ा मिल रहा मेरे को। अभी देखो नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरी। ये देखो माथे पे पसीना। कैंपिंग करना इतना आसान नहीं है, कैंपिंग करने की हर कोई सोचता है, लेकिन कैंपिंग करने के लिए जो घोड़ा बन के जाना पड़ता है ना, पूरा करीब 30 से 40 किलो वेट है मेरे पीठ में। अभी दो दो बैग भरे पड़े हैं, और देखो इतनी ठंड है यहाँ पर, बर्फ़ में पसीना आ रहा माथे में। ये भाई भी थोड़ा वादियों में रेस्ट लेने लग गए, सामान ज़्यादा हो गया ना। ये भाई भी पसीना पोसने में लगा है। 5 मिनट का वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं मतलब, उसके बाद चलते हैं। 5 मिनट रुकते हैं फिर यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे की तरफ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बर्फ़ भी बढ़ती जा रही। और देखो शाम का समय हो चुका है, हमें अपनी डेस्टिनेशन पे जरा टाइम पर पहुंचना भी है, क्योंकि वहाँ जाके देखेंगे अगर लकड़ी की व्यवस्था हुई तो कैंप फायर की भी करेंगे व्यवस्था, अगर नहीं हो पाए तो फिर ऐसे ही चलाएंगे काम। देखो क्या मस्त व्यू आ रहा पीछे। देखो लोकेश भाई स्लिप कर गए यहाँ पे, और इनके स्लिप करते ही सस्ताने लग गए। मजा आ गया, उठने का मन नहीं कर रहा, सोच रहे कि थोड़ी देर सस्ता लूँ ऐसी। हाँ यार वेट ज़्यादा हो गया यार, हाँ सब की बासी, थोड़ा ज़्यादा वेट, थोड़ा आगे जाके मैं भी रुकता हूँ। मूंगसियारी के सामने वाले पहाड़ पे हैं, यहाँ से देखो मूंगसियारी का व्यू दिख रहा है। ये देखिए नीचे मूंगसियारी दिख रहा है इधर, और सामने हिमालय, और इस तरफ है खलिया टॉप। हम खलिया टॉप के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं आज कैंपिंग करने। ये देखो यहाँ भी इतनी बर्फ़ है, लग रहा खलिया टॉप जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। और इतनी बर्फ़ है, माइनस में टेम्परेचर है, और हमारा टेम्परेचर देखो पसीना। क्योंकि हम आए हैं यहाँ से चढ़ाई चढ़ के नीचे से, ये देखो अपने भाई लोग भी रेस्ट करने में लगे हैं यहाँ पे। मोहनदा ने थका दिया यार आज, मोहनदा ने थका दिया। हाँ यार कितना तेज चलते हो यार तुम सच में। भाई हमारी हालत ख़राब होगी, ऐसे स्पीड में भाग रहे ना ये, इनको पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है। मतलब यार स्टेमिना है, आता कहाँ से इतना स्टेमिना कसम से यार। भाई दोनों भाइयों की हालत ख़राब होगी, और मोहनदा ऐसे रफ्तार में हमको भगा रहे ना, हमने
कितना 15-20 मिनट भी नहीं हो रहे भाई, हम 500 मीटर से ऊपर कवर कर लिया था हमने, अभी तो हम ऊपर आ गए। मज़ा आ गया यार मंदा, मज़ा आ गया। ये तारीफ कर रहा है या मजाक बना रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई का। सब लोग साथ ही आ रहे हैं, कह रहा है भगा रहे हैं, साथ ही आ रहे हैं हम लोग। तो खींच के तो ला रहे हो यार तुम, किसी ना किसी को तो खींच के लाना ही पड़ेगा, शाम भी हो रही ना। देखो वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचते अपनी डेस्टिनेशन पे। ऐसे स्लिप कर रही, चैक चैक कर रहा पाँव, ऐसे संभल संभल के चलना पड़ रहा। ये देखो जाम लग गया है यहाँ पे, बहुत खतरनाक स्लिप वाला हो रहा है। बहुत खतरनाक स्लीपरी होता है यहाँ पे, पाँव जमा जमा के चलो ना। जैसे जैसे शाम होने लग रही बर्फ और हार्ड होते जा रही। अब पाँव ज़्यादा स्लिप करने लग गए, अभी तक कम कर रहे थे ना स्लिप। नीचे से निकलना है, निकलने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि झुका नहीं जा रहा, बैग बड़े बड़े लटका रखे आगे पीछे। फाइनली हम लोग थामरी कुंड पे पहुंच चुके हैं। ये देखो नीचे दिख रहा कुंड में पानी दिख रहा, और एक साइड को हल्का जमा भी दिख रहा, और कुंड के चारों तरफ बर्फ है। आज कैंपिंग बहुत डिफिकल्ट होने वाली है मंदा। हाँ यार, क्योंकि स्नो में कैंपिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पे तो पूरी स्नो पड़ी है, तो आज डिफिकल्ट होने वाली है। माइनस टेम्परेचर जाएगा रात को 5 या 4 के आसपास, में भी ज़्यादा जा सकता है। हाँ, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। हालत ख़राब होने वाली है, जल्दी से जाके वहाँ टेंट लगाना है। हाँ यार, फटाफट चलते हैं टेंट लगाते हैं। भाई अभी बर्फ़ में तो संभल संभल के आ रहा था, और थोड़ा सा यहाँ पर इसने लापरवाही करी और यहाँ पर ऐसा फिसला, सही शॉट नहीं ले पाया मैं। यही तो है, यहाँ पे चूक नहीं करना भाई, थोड़ा सा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहुँच चुके हैं हम एकदम कुंड के नज़दीक में, अंधेरे में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा अभी, सुबह को दिखाएंगे आपको इसका खूबसूरत नज़ारा। देखो उस तरफ बर्फ़ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है अभी कुंड में। काफ़ी रात हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग, हम कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं अपनी। देखो अभी कैंपिंग लोकेशन मिलती है तो फिर हाँ टेंट लगाते हैं अपना। हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, देखो जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ से टेंट लगाए। पाँव तक डूब रहे यार, हाँ पगड़ी है। बर्फ़ इतनी है कि अंदाज़ा नहीं आ पा रहा कहाँ पर करें कैंपिंग। कैसे आ जाओ, नीचे साइड को प्लेन दिख रहा है, उधर हो सकती है कैंप लगाने की जगह। ठीक देखें नीचे साइड को, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा बर्फ है, पाँव सीधे अंदर ही घुस रहे हैं। लग रही है यही लगाते हैं, हाँ उधर इतने लगाते हैं। हाँ ये जगह ठीक लग रही है, इतना ही। हाँ हाँ, अरे गुदगुदा है सारा बर्फ का नीचे, इसमें लगा लेते हैं। फाइनली हम लोगों को अपनी कैंपिंग लोकेशन मिल चुकी है, इस जगह पे लगाते हैं अपना टेंट। आप लोग भी देखो कैसे लगाते हैं हम लोग टेंट। लोगों ने अपने टेंट लगा दिए, ये देख सकते हैं 2 टेंट एक से कलर के हैं हमारे,
और ये है मेरे टेंट के अंदर। देखो मैंने तो अकेले सोना है आज, पहली बार सोने वाला हूँ आज अकेले में टेंट में। सुबह को बताऊँगा कैसा लगा करके। और इस तरफ है हमारे भाई का टेंट। देखो नीला घर के अंदर सामान वामान बढ़िया करके रख दिया। अब हरी यहाँ पर खाने पीने की तैयारी। बंदा कैंपिंग अपना बैठ के बिक गया। बैठो यहाँ पे, यहाँ पे टेबल वगैरह लगाते हैं, अपना खाना वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जा रहे हैं अभी पानी लेने। देखो कुंड तो आ गया है, कुंड लेकिन वो पत्थर वाली जगह में। देखो क्या बोलते हैं इसको, ये देखो इसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ जमी है पानी के ऊपर, ये वाली। चलो उस साइड चलते हैं, उस साइड आगे जहाँ पर पत्थर है ना। आई भगो देख के घर को, पानी भरने के लिए थोड़ा गहरा चाहिए ना। यहाँ भी मिट्टी आ जाएगी इसमें। हाँ भर रहे भर रहे। पानी तो अच्छा है साथ में। ठंडा भी है पानी अभी थोड़ा। हैं? थोड़ा ठंडा। थोड़ा क्या ठंडा, तो पूरा ही है वो। पिघला हुआ पानी है ना एक। पानी भर लिया हमने। अगर हम बर्फ़ गलाते तो हमारी गैस भी फालतू खर्ची होती। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है तो हमने तालाब से भर लिया पानी। अभी असली में प्लास्टिक का है ना, अच्छे से भरा नहीं जा रहा है इसमें। चल इतना लेके चलते हैं, फिर आते हैं इसमें कुछ गिलास विलास लेके आते हैं, उससे करते हैं फिर अच्छे से भरते हैं। अरे इसमें ना तालाब से इसमें पानी भरा नहीं जा रहा है, इसको भरने के लिए मल्टीपल मशीन से इतना भरा जाएगा। हाँ उसमें थोड़ा सा इशू है ना। चलो अभी काम चलो, अभी ले आएंगे पानी तो यहीं पर ही। क्या दिक्कत है, इतना पानी बहुत है, हो जाएगा काम। बाकी ये बर्फ़ मेल्ट कर लेंगे कुछ होगा तो। ना ना पानी है वहाँ पर, लेकिन एक बर्तन ले जाना पड़ेगा हमें भरने के लिए, पानी की कमी थोड़ी ना है कोई। चलो ठीक है, चलो गाइस इतना काम तो हो गया। यहाँ पे पीछे लगा रखे हम लोगों ने टेंट, और लोकेश भाई लगे हैं हमारी कॉफ़ी बनाने में। तीन गिलास एकदम तैयार हैं जिनमें कॉफ़ी बनते ही मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। इस ठंड में देखो, इस बर्फ़ के बीच में देखो, सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। एक गिलास में डाल लिया। और इसको घोल लेंगे भाई, क्योंकि ये अच्छे से घुलता नहीं है। इसमें करोगे अभी, इसमें कर लोगा। स्टार्ट क्या बनाते रहो, तो तुझे क्या करना है। ये तो वाला है खतरनाक वाला चैनल। इसमें क्या फर्क पड़ेगा खतरनाक। होने लग गई हम लोगों की अपनी खाने की तैयारी। मैं काट रहा हूँ प्याज यहाँ पे, और अंकुर भाई लगे हैं वहाँ कोयले जलाने में। बाकी शूट मैं कर रहा हूँ। बाकी हमारे भाई साहब कर रहे हैं शूट। बढ़िया यार, मजा आ गया। अरे हाथ एकदम जीरो से नीचे है, अंदाज नहीं आ रहा प्याज पकड़ लगा नहीं पकड़। वही होता है ना, वही होता है। बाकी देखो यार अपने टेंट कहाँ पे लगाए, क्या खतरनाक जो हमें टेंट लगाया। तो यार दोनों टेंट सेम है तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और भाई आसपास का एरिया कुछ इस तरह का है, और जो ये देख रहा है आपको एक काला ब्लैक ब्लैक आपको जो दिख रहा है ना शेडो टाइप का, ये अपना थामरी कुंड कुंड के सामने हमें। यहाँ तक पानी आप देख सकते हो, तो इसमें भी कुछ पानी है। ठंड ज़्यादा होगी ना, सुनने हो गए हाथ सबके। और लोकेश भाई ने देखो सब्जियों में पूरे मसाले वसाले लगा के पूरा रेडी कर दिया। अभी इनको करते हैं रोस्ट, तंदूरी रोस्ट, तंदूरी रोस्ट, और फिर खाते हैं। पकने लगी हैं सब्जियां, देखो रोस्ट हो रही सारी। इसमें नीचे से कोयले जले हैं,
देखो भाप आ रही ऊपर को एकदम मस्त। और देखो इधर लोकेश भाई खाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं, और अपना अगले भाई को तो ठंड लग रही हिलने में लगा हुआ है। ये देखो लाइटिंग इतनी मस्त करके रखी है यहाँ पर। ये देखो हमारा खाना बन गया और प्लेटों में सजा दिया खाना लोकेश भाई ने, और अगला भाई अभी कोयले जलाने में लगा है। आग सेकते हैं थोड़ा, खाते हैं फिर फटाफट, भूख भी लगी है तगड़ी, और खाना देख के तो और भी मुँह पानी आ रहा है। मैं तो ऐसा ब्लॉगर हूँ, पहले खाना खा लिया पूरा फिर आ रही बनाने की याद। खाना हुआ इतना अच्छा होगा। हाँ भूख ज्यादा लगी थी ना, बहुत ज्यादा, इसलिए वीडियो बनाने की याद ही नहीं रही। देखो अब लास्ट बचा है, अगले भाई ने तो फिनिश भी कर दिया, और अब बना रहा हूँ मैं वीडियो। खाना खा लिया हम लोगों ने, अब सोने की तैयारी चल रही, सोते हैं फिर मिलते हैं सुबह को। आज पहली बार है कि मैं कैंपिंग, तो मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, लेकिन सो पहली बार रहा हूँ अकेले टेंट में। मैं सुबह को बताऊंगा नींद आई कि नहीं। वैसे टेंट में बताऊँ कम ही नींद आती है, लेकिन यहाँ आ जाएगी इसमें है ना। तो ये सोते हैं फिर आप, चलो मिलते हैं सुबह को।